हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं पाकिस्तानी वर्सेस इंडियन स्ट्रीट सिंगर टैलेंट। देखेंगे हम इस वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूं मैं अमेजिंग स्ट्रीट सिंगर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखेंगे कि इंडियन स्ट्रीट सिंगर्स मतलब जो जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता है शायद वही लोग होंगे इसमें कॉमन पीपल्स जो जिनके अंदर कुछ टैलेंट है सिंगिंग का। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है सिंगिंग का और मशहूर भी है दुनिया भर में। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि दोनों में से कौन कौन से बढ़िया होंगे सिंगर्स। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। इंडिया से स्कूल की लड़की है, सही गा रही है। ब्रिज पे खड़े होके सिंगिंग शो चल रहा है पाकिस्तानी। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊंगे, कोई तो हटो ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। ए रोम रोम एक तारा, ए रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। बल बल जाऊं अपने पिया को, वाह ए मैं जाऊं। इसका भाई हसरा है। मोह तुद बुद नाए रही तन मन की, ओए हाय सही गा रहा है यार ये भी। वाह यार, इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाए अगर कोई तो कमाल कर देंगे। तेरा नाम पे जी लूं, तेरा नाम पे मर जाऊं। वाह। तेरा नाम पे जी लूं, तेरा नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। सदके तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, होरी पानी हो गई मैं तेरी। कुत्ता डिस्टर्ब कर रहा है पीछे से। पाकिस्तान पाकिस्तान यार ना बिछड़े। ये किसी ओएसटी है किसी ड्रामा का। यार राहत फतेह अली खान ने ही गाया होगा ये, उन्हीं की वो लग रही है मुझे झलक। पुलिस वाले बैठे हैं क्या पीछे? वाओ ऑफिसर्स लोग बैठे हुए हैं भाई, पूरा शो चल रहा है। हाय हाय सिंगर। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको,
बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में करीब हो के मिले हो तुम हमको अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना इसकी आवाज ही ऐसी है या कॉपी करने की कोशिश कर रहा है यार आवाज सही है इसकी बंदे की हाय हाय अरिजीत का फील दे रहा है यार ये तो अच्छा चलता हूँ अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजाला सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ I feel this song so deeply ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ wow मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया हाय 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 यार ओ पिया ओ पिया सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनून है जिसमें जुनून है पर दो दिनों की यारी में भी तो कितना सुकून कितना सुकून है देख के मुझे तेरी जुदाई माना रब ने मुझे पैगाम दिया चन्ना मेरे आ मेरे अमेजिंग यार अमेजिंग टैलेंटेड यार ही इज टैलेंटेड अभी नहीं चुन लिया है तुम भी इसको चुनो ना हाब कोई देखता है तुम भी सपने बुनो ना दिल ये मेरा वाह तुमसे कुछ कह रहा है सुनो ना दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है सुनो ना आसमान को जमीन ये जरूरी नहीं जाम दे अब पेंटर है पेंटर गा रहा है काम करते हुए क्या बात है यार यार एक से एक सिंगर है यार वहाँ पे और कैसे कैसे गाने हैं गा रहे हैं इट्स रियली अमेजिंग यार इट्स रियली टचिंग माय हार्ट ओहो इंडिया पाकिस्तान के सिंगर्स यार इतने अमेजिंग होंगे पाकिस्तान के यार पाकिस्तान के लिटरली यार इतने अमेजिंग सिंगर्स थे अरिजीत की जो दोनों गाने गाए थे इन्होंने एक ये पुताई वाला लास्ट में जो था
कमाल के सिंगर थे। मेन मेन चीज़ें होती हैं जो फील आती हैं गाने में, उनके बारे में बात करूं अगर तो वो काम करते हुए आ रही थी उनकी आवाज़ में, मतलब वो फोकस्ड होकर एकदम बैठे नहीं थे कि मुझे गाना है गाना, ऐसे करके मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी, चाहे वो स्ट्रीट सिंगर हों या कुछ भी हों, किसी को सुना नहीं रहे हैं अगर बैठ कर ऐसे करके कि हाँ मैं सुनाने वाला हूँ गाना, उसके बावजूद भी उनके सुर इतने बढ़िया लग रहे हैं। सैल्यूट है यार उसको। और एक वो जो अच्छा चलता हूँ गाया था उसने, बंदे ने वो ग्रिल के पास खड़े होकर, कहीं ऑफिस ऑफिस का सीन था वो शायद, तो किसी ने गवा लिया होगा उससे पकड़ कर, तो उसने चलते फिरते गा दिया। मतलब यार क्या टैलेंट है। एक बंदा वो भी था वो, मतलब इन दोनों का मुझे बहुत सही लगा पाकिस्तान से, लेकिन इंडिया में भी अच्छी थी वो लड़की जो ब्रिज पर गा रही थी, उसके अलावा एक रूम में जो गा रही थी लड़की वो सही थी, लेकिन पाकिस्तान बालदेव ने यार सच में दिल जीत लिया मेरा। स्टार्टिंग में ही बोला था कि पाकिस्तान में सिंगर्स का टैलेंट जो है नेक्स्ट लेवल है, हर कोई हर दूसरी गली में क्रिकेटर या सिंगर है वहाँ पर, मुझे ऐसे ही लगता है। और ये बात सच है कि एक कदम आगे ही करेंगे ये काम अगर इनको थोड़ा सा मांझ कर, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ, अच्छे म्यूज़िक के साथ इनका गाना तैयार किया जाए। तो पाकिस्तानी सिंगर्स ने गाने तो इंडियंस गाए थे, एक बंदे ने शायद वो OST गाया था, लेकिन दो गाने जो थे वो अरिजीत के थे, लेकिन फिर भी यार पूरा पूरा फील दिया और दिल जीत लिया मेरा। कमेंट करके बताओ आपको कौन सा सिंगर ज़्यादा अच्छा लगा, एंड लाइक करके शेयर जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।